ज़ोरदार किस्म की बारिश हो रही है कराची में। छत के ऊपर अभी मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार बारिश और मौसलाधार बारिश हो रही है। पेशन गोई के मुताबिक बारिश शुरू हो चुकी है। फ्राइडे का दिन है और इस वक्त सुबह के 12 बज रहे हैं। अंदर चलता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा कैमरा ख़राब हो जाए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पूरा मैं गीला हो चुका हूँ। अभी एक छत के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ बारिश से बचने के लिए। मेरे हाथ में जो है कैमरा है, तो मैंने सोचा अब कैमरा ख़राब ना हो जाए तो मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया हूँ। अभी छत पर मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, तो अब चलते हैं बाहर और बाहर की कंडीशन देखते हैं, बाहर क्या सूरत हाल है बारिश की। रोडों पर पानी तो नहीं है। बाहर कुछ खाना भी खाएँगे और बारिश को भी इन्जॉय करेंगे। ये ज़बरदस्त व्यू, यहाँ पर मैं तकरीबन 5 मिनट से खड़ा होकर ये मंज़र देख रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक पेडिस्ट्रियन पुल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से नीचे का जो व्यू देख रहा हूँ ज़बरदस्त है। और नीचे पानी भरना शुरू हो चुका है। ये ग्रीन लाइन बस का ट्रैक है और बहुत ही खूबसूरत बारिश के बाद जो इसका लुक आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। ग्रीन लाइन बस कब चलेगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची में ग्रीन लाइन बस भी चल जाएगी। एक घंटे पहले जो है बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश का ज़ोर टूट चुका है, हल्की बारिश हो रही है। तो चलते हैं नीचे, कुछ खाना खाते हैं। हर बारिश को एंजॉय करने के बाद अब मैं यहाँ आया हूँ अल मदीना बर्गर पर, और मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, अंडे वाला बर्गर। बारिश में अंडे वाले बर्गर का खाने का मज़ा ही अलग है। भूख भी लग रही थी तो सोचा कि बर्गर यहाँ पर खाऊं, और बाहर जो बारिश है उसको भी मैंने एंजॉय किया। कपड़े आप मेरे देख सकते हैं, कपड़े बहुत गीले हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ गया अल मदीना बर्गर में। तो बर्गर आता है और बर्गर को खाते हैं और फिर उसके बाद जो है वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। बारिश में बारिश और पकोड़े का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पकोड़े तो मुझे बाहर नहीं मिले तो सोचा बर्गर ही खा लूँ। बारिश और बर्गर का कॉम्बिनेशन कैसा है ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप के आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी और आज की बारिश को भी इन्जॉय किया होगा। वैसे कराची में बारिशें जो हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो वो पूरे साल की जो है कसर निकल जाती है। कराची में बारिशें बहुत कम होती हैं, तो आज जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।